तो कृष्ण किससे डरे थे? लाठी से। लाठी कहाँ पहुंची? जगन्नाथपुरी में गिरी जाकर के, रथ बना उसका समुद्र में जाकर के। तो जसवा भैया कन्हैया को कान पकड़ करके यहाँ लेकर के उखल में भगवान को, इसी उखल में भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी जसवा भैया, और सारे नौला के आए कि रस्सी आ जाए, मगर कृष्ण नहीं बांध रहे थे। तो कृष्ण भगवान इसको भी स्टैंड बना लेते थे, तो इसके ऊपर में चढ़ करके मटकी ऊपर टंगी होती थी और कृष्ण भगवान मटकी को तोड़ते थे। और वो भी आज का नहीं है, वो द्वापर से भी पहले का है, जो आज भी इस स्थान पर रखा हुआ है। उससे भी पहले का बताया जाता है भगवान विष्णु जी का अष्ट कमल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ही वो अष्ट कमल है। और ये बताया जाता है, जैसे कि मैं स्पर्श करके देख रहा हूँ, और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे ये है गणेश जी का स्वास्तिक यहाँ पे, कि यहाँ पे एक पेड़ की लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जो वहाँ सच्चे भक्त लोग होते हैं वहाँ पेड़ में जाकर के कान लगाते हैं, पांच परिक्रमा करते हैं, तो भगवान उनको कुछ सुनाते हैं, कौन सच्ची भक्ति कर रहा है घर में और कौन दिखावा कर रहा है। और जो सच्चे भक्त हैं भगवान पांच तरह की आवाज़ें सुनाते हैं वहाँ पर। वो कौन कौन सी? एक तो बंसी की धुन सुनाते हैं, एक गाय की आवाज़ सुनाते हैं जो कृष्ण को पुकारती हैं गाय, और एक जो बसदेव जी भगवान को पार करके आ रहे थे, वर्षा हो रही थी, वो बरसात का आवाज़ आ रही है कान में आती हैं, और एक महारास की, जहाँ भगवान ने नित्य रास करते थे। जो कृष्ण की भक्ति में जो विघ्न बाधा आती हैं तो यमुना मैया यहाँ पर दूर करती हैं। सुबह मॉर्निंग में क्या बोलना है? यमुना कृष्णा, ऐसे जो भक्त लोग घर में बोलेंगे तो कृष्ण की भक्ति में मन लगाए रखेंगे यमुना मैया। और यहाँ डुप्लीकेट भगवान से बच करके आते हैं तब यहाँ आ पाते हैं, नहीं तो रास्ते में डुप्लीकेट भी भगवान मिल जाते हैं और वो यहाँ तक आने नहीं देते हैं। डुप्लीकेट यही है कि मतलब जगह चमक दमक देखते हैं, नई नई सजावट देख करके आओगे तो सत्य यहाँ समझ में नहीं आएगा। सत्य बहुत छोटा है, झूठ बहुत बड़ा है। ये विष्णु जी आए थे, यहाँ सभा हुई थी सभी की इस जंगल में। इस जंगल का नाम बृहद वन था। ये कश्यप जी बन गए पत्थर के ऊपर, और ये दो पेड़ बन गए थे यहाँ कुबेर पुत्र। ये 3 किलोमीटर लंबे वृक्ष थे, 3 किलोमीटर लंबे। जब ये गिरे तो विश्व में आवाज हुई थी गिरने की, स्कंद प्रवाल बिटपौ गत चांड शब्द अराग धूमधाम शब्द हुआ। तब यहाँ मीटिंग होने के बाद वृंदावन गोवर्धन सब चालू हुआ। यही नाद रगड़नी पड़ी ब्रह्मा शंकर को, यशोदा ने भगा दिया था। जब ये विष्णु जी ने स्थापित किया था, ये विष्णु जी ने वृक्ष को स्थापित किया, तो इसमें अनंत लीलाओं का यहाँ इसमें प्रदर्शन दिया गया है। कि दो झाड़ थे, ये 3 रस्सियाँ थीं, और ये कृष्ण का विग्रह है, और ये नाभि केंद्र है। यहाँ प्राणनाथ को एक प्रतिपादित किया गया है कि एक कृष्ण यहाँ हमेशा गोविंद गोकुल में वास करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ गोकुल में, हम आप सभी को लेकर आए हैं। ये है ओखल बंदन, ये टोटली अनसीन प्लेस है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम पर मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ, और ये आप जो सीधी सड़क देख रहे हैं ये सीधी सड़क जा रही है चिंताहरण महादेव, और यहाँ से अगर आप मेरे बैक साइड देखेंगे ये जा रही है सीधा रमण रेती। इस दोनों के बीच में ये स्थान आता है जिसको कहा जाता है ओखल बंदन। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मेन दर्शन होते हैं उस ओखल के, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो लीला हुई थी वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, और इसी वीडियो में आप संपूर्ण दर्शन करेंगे यहाँ के, और आपको इसमें हम आपको कथा भी बताएंगे। चलते हैं मंदिर के अंदर, यहाँ के दर्शन कराते हैं और यहाँ की जो लीला है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप सीधी सड़क जो देख रहे हैं ये जा रही है सीधा रमन रेती के लिए, और यहीं से आप सीधा चिंताहरण महादेव जी के लिए चले जाएंगे। उसी के बीच में ये स्थान आता है जिसको कहा जाता है ओखल बंधन। यहाँ पे आप सामने देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी है श्री ओखल बंधन प्राचीन मंदिर, जो कि ये ठाकुर जी का पुराना महावन भी कहलाता है। आप सभी को जहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पे जो दर्शन होते हैं वो दर्शन इतने अद्भुत है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं भगवान विष्णु जी के अष्ट कमल के, और वो भी आज का नहीं है, वो द्वापर से भी पहले का है, जो आज भी इस स्थान पे रखा हुआ है। यानी कि आपको साक्षात उनके दर्शन होते हैं, और साथ ही गणेश जी का जो स्वास्तिक है वो भी उसी समय का है जब द्वापर में भगवान ने लीला की थी।
उससे भी पहले का बताया जाता है भगवान विष्णु जी का अष्ट कमल। तो जानते हैं महाराज जी से और आगे की कथा आप उनसे सुनिएगा। ये जशोदा माता की 60 साल की उम्र होने को जा रही थी तो यहाँ शंकर ब्रह्मा इंद्र विष्णु भगवान भी आए तो बोले अरे जशोदा मैया तेरा लाला कहाँ है। तो जशोदा मैया बोली कि मेरा लाला तो नहीं है, मेरी तो 60 साल की उम्र हो गई है। कि नहीं मैया तेरे लाला की प्राप्ति होने वाली है और तुम लोग यहाँ विष्णु जी का अष्ट कमल की पूजन करो अब से करो। बन क्या करना है। जशोदा मैया चिंता में पड़ गई तो बोली यहाँ 108 तुम दीपदान जलाओ अपने लाला के नाम से। तो ये विष्णु जी का अष्ट कमल, ये विष्णु जी का अष्ट कमल है, ये गणेश जी का षष्ठी चिन्ह है। तो यहाँ जशोदा माता रोजाना प्रतिदिन 108 दीपदान जलाने के लिए यहाँ आती थी। तो कार्तिक से मास से और कार्तिक से लास्ट में जशोदा मैया यहाँ दीपदान जला करके जाती थी। तो समय पूरा हो गया तब कन्हैया की यहाँ प्राप्ति हुई थी। तो नंद महाराज 18 भाई थे ये सब खुश हो गए कि हमारे घर में वंश की वृद्धि हो गई है और यहाँ पर एक नंदोत्सव मनाया जाता है। तो यहीं पर नंद महाराज जशोदा मैया ने यहाँ एक नंदोत्सव ही मनाया गया। कहते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। तब यहाँ नंद महाराज ने गाय दान की थी। नंद महाराज ने मिठाई लाडू सेवा मिठान फल फ्रूट उड़ाए दान किया था ब्रजवासियों ब्राह्मणों के लिए। तब ये जो है ये जो भक्त लोग यहाँ आते हैं सच्चे मन से दिल से आते हैं तो ये जशोदा माता उनकी मनोकामना भी पूर्ण करती है। तो महाराज जी जो हम माता जी के दर्शन कर रहे हैं ये यशोदा मैया ही है। हाँ ये यशोदा मैया है, ये बचपन का बाल रूप के समय का स्थान है। ये जशोदा माता यहाँ दीप ध्यान जला करके जाती थी। और ये महाराज जी ऐसे ही इसको रखा गया है जैसे हाँ, कि ये विष्णु जी का अष्ट कमल है और ये गणेश जी का षष्ठी चिन्ह है। तो जब यहाँ अभी अब भक्त लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ कार्तिक मास में भी दीपदान कर करके जाते हैं। तो ये कार्तिक मास का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। दीपदान करने से 108 दीपदान का भी फल प्राप्ति होता है। यहाँ दर्शन ही करने से भी मात्र दर्शन करने से और दीपदान करने से भी एक भागवत का फल प्राप्ति होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ हर कोई लोग नहीं आ रहा है, सब लोग सजावट देख रहे भीड़ में रख के खा रहे हैं चकाचक देख करके जा रहे हैं। बोलो दामोदर भगवान की जय, जशोदा मैया की जय। ये ओखली है, ये कश्यप मुनि जी थे, विष्णु भगवान से इन्होंने वर मांगा था मेरे को उखल या उखल बना देना। तो विष्णु भगवान बोले कि मैं तेरे को उखल बना देता हूँ जिसके ऊपर मैं कृष्ण भगवान चढ़ करके मटकियाँ तोड़ेंगे माखन चोरियाँ करेंगे तो तेरा भी तथा सु कल्याण हो जाएगा। तो कश्यप मुनि जी बोले कि आपने बहुत बड़ा मेरे को आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद को मैं कहाँ आपको चुका पाऊँगा और कहाँ सेवा कर पाऊँगा। तो विष्णु भगवान बोले कि मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, इसका तुम ध्यान रखना चिंतन करना। तो यहाँ जशोदा माता जशोदा मैया सारी ब्रजवासी गोपी ग्वाल वाल यहाँ आकर के जशोदा मैया धान आन कूटती थी, मिर्ची वगैरह हल्दी वगैरह इसी के अंदर में कूटती थी। तो कृष्ण भगवान इसको भी स्टैंड बना लेते थे तो इसके ऊपर मैं चढ़ करके मटकी ऊपर टंगी हुई थी और कृष्ण भगवान मटकी को तोड़ते थे। तो मटकी को तोड़ते और एक दिन गोपी के घर में भी कृष्ण भगवान जाने लगे मटकी को तोड़ने लगे। तो गोपी लोग शिकायत लेकर के आ रही थी, अरे जशोदा मैया तू रानी बनी बैठी हो मेलों में राज कर रही है, आज हम तेरे कृष्ण को पकड़ के लेके आए हैं। तो जशोदा मैया बोली कि मेरा असली कृष्ण तो मेरा माखन खा रहा है और ये नकली कृष्ण को कहाँ से लाई पकड़ करके देखो तो सही। तो जशोदा मैया बाहर निकल के आई, कोई अपने बेटे को लेके आई है, कोई अपने पति को लेके आई है, कोई अपनी सास को लेकर के आई है। तो जशोदा मैया बोली लाला बाहर निकल के आ, ये गोपी लोग आई हैं, ये कैसी लीला कर रहा है तू। कि मैया मेरे को माखन तो खा ही दो। नहीं बाद में माखन खाना, ये गोपी लोग निकल जाएंगे तेरे दर्शन करने के लिए आई हैं। तो भगवान ने यहाँ मोर मुकुट धारण कर करके पीतांबरी बांध करके भगवान बंसी बजाते हुए बाहर निकल करके आए। तो गोपियों का भी कृष्ण एक दूसरा नाम हो जाता है, कृष्ण का क्या हो जाता है, एक चित्तचोर। गोपी लोग कृष्ण को देख करके और उसकी बंसी को देख करके लाला की बंसी को देख करके सारी गोपियाँ चकित हो गईं कि हे लाला नंद के लाला तू कितना भोला वाला है और कितना सुंदर है और तेरी मुरली की जो धुन है ना तो हमको दिल में समा गई है हमारे में। तो सारी गोपी लोग कृष्ण को देख करके चली गई। तो दीपावली के दिन जशोदा माता के घर में 5,500 नौकरानी काम करती थी, सबकी छुट्टियाँ कर दी कि जाओ अपने घर में दीपावली बनाओ, आज मैं कृष्ण के लिए माखन मैं निकालूंगी स्वयं। तो जशोदा माता कृष्ण के लिए माखन निकालने के लिए सुबह 4 बजे भोर में जगी, सुंदर सा श्रृंगार किया जशोदा मैया ने और साड़ी पहन करके और कंगन पहन करके और जशोदा माता यहाँ कृष्ण के लिए माखन बिलो रही थी। और कृष्ण भगवान एकदम जगे, बोले कि आज कौन सी गोपी लोग आई है, इसमें माखन चलाने का सहूर नहीं है। तो जशोदा मैया चला रही थी और कृष्ण भगवान ने देखा, अरे बढ़िया मैया तू क्या कर रही है, आज मैं तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ। मैंने क्यों, क्या गोपी नहीं आएंगी, कि नहीं आज सबकी छुट्टी करती भाई, आज क्या है, क्या दीपावली का दिन है, सारे साल भर का बहुत बड़ा फर्स्ट त्यौहार है, इसके लिए सबकी छुट्टी कर दी है।
तो जसवा मैया से बोले कन्हैया मेरे को माखन, कन्हैया पहले स्नान ध्यान करके किया। तो कन्हैया गए वहाँ जा करके अपना स्नान ध्यान करके के मोर मुकुट धारण कर करके पीतम्बरी बांध करके और भगवान बंसी बजाते हुए यहाँ आए। तो बोले भैया दोनों हाथ ऐसे खड़े करके बोले कि भैया आप तो मैं माखन दे दे मेरे को भूख लगी हुई है। जसवा मैया बोली नहीं लाला भी रुक जाने को। तो जसवा मैया ध्यान में मक्खन में था और जो कंगन बज रहे थे क्या बोले थे गोविंद दामो धरविंद रोष्टम। तो जसवा मैया का धुन एक तो मक्खन में था और एक जो कंगन की आवाज़ें निकल रही थी धुन निकल रही थी उसमें दीवानी हो गई मस्तानी हो गई जसवा मैया कि आज मैंने इतना सौभाग्य है कि आज मैं अपनी लाला के लिए माखन निकाल रही हूँ। तो जसवा मैया ध्यान उसमें था और कन्हैया बोले कि मैया 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 माखन तो दे दे कि जसवा मैया इस कान सुनती उस कान निकाल रही थी। तो जसवा मैया ने जो रही चल रही थी लकड़ी की उसको कन्हैया ने पकड़ लिया और पकड़ करके कृष्ण को हटा दिया जसवा मैया ने। तो लुढ़कते लुढ़कते कहाँ चले गए रोलिंग करते हुए कृष्ण भगवान वृक्ष की रज में लोट पोट होते करके कहाँ चले गए कि जहाँ पर रसोई था तो वहाँ जसवा मैया खाना वाना बनाती प्रसाद बनाती थी। वहाँ एक 5 किलो का पत्थर पड़ा हुआ था तो कन्हैया उसको उठा करके लेकर के चलने लगे। तो बोले कि प्रभु तुम मेरे को कहाँ लेकर के जा रहे हो कि आज मैं तेरे को माखन से भोग लगाने के लेकर के जा रहा हूँ। तो बोले जसवा मैया मेरे को चिल्लाएंगे डांटेंगे कि नहीं उसकी जिम्मेदारी मेरी है यहाँ लेकर के आ करके यहाँ मटकी को तोड़ दिया। तो मटकी को तोड़ने के कारण कृष्ण बोले कि आओ रे बलराम सुदाम दाम बजराम सभी आओ आज दीपावली का दिन है आज हमारे घर में नाश्ता कर करके जाओ। तो कृष्ण भगवान दोनों हाथों से खा रहे हैं बलराम भी खा रहे हैं सुदामा दाम बजराम दोनों हाथों से और जसवा मैया देख रही हैं कि आज तूने अच्छा नहीं किया लाला आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं आज मैं तेरे को उखल में बांध करके रखूंगी। तो जसवा मैया दौड़ रही हैं और कन्हैया ऐसे अंगूठा दिखा रहे हैं कि ले ले आज तू मेरे को पकड़ ले आज मैं पकड़ के मैं हाथ नहीं आऊँगी। तो कृष्ण भगवान दौड़ रहे हैं जसवा मैया पसीना दे गई हैं और जसवा मैया के बालों में एक फूल बंधा हुआ था गज का वो भी झरझर के नीचे गिर रहा था। वो क्या सोच रहा था आज मैं कन्हैया के चरणों की योग्यता में हूँ और जसवा मैया के चरणों में पड़ूंगा तो मेरा धन हो जाएगा। जसवा मैया दौड़ रही हैं भज रही हैं मगर कृष्ण हाथ नहीं आ रहे हैं। तो कृष्ण किससे डरे थे लाठी से और वो कौन सी लाठी थी जसवा मैया की जो चलने वाली लाठी थी उसको लेकर के जसवा मैया दौड़ रही और कन्हैया भी दौड़ रहे हैं कि जसवा मैया मारेंगे आदमी को पिटाई करेंगे। तो भगवान बोले कि मैया इस लाठी को छोड़ देगी तो मैं हाथ आ जाऊँगा। तो जसवा मैया ने लाठी को उसको फेंक दिया और फेंक करके कहाँ गए लाठी कहाँ पहुँची जगन्नाथपुरी में गिरी जा करके रथ बना उसका समुद्र में जा करके। तो जसवा मैया कन्हैया को कान पकड़ करके यहाँ लेकर के उखल में भगवान को इसी उखल में भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी जसवा मैया और सारे नौला के आए कि रस्सी आ जाए मगर कृष्ण नहीं बांध रहे थे कि भैया तू मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही है तू गुस्से से बांध रही है इसलिए रस्सियाँ कम पड़ रही हैं। तो जसवा मैया बोली नहीं लाला मैं तेरे को प्रेम से बंधन कर रही हूँ। तो भगवान बोले कि भैया तू प्रेम से बांधती ना तो मेरे को बंध जाता ये तुम्हारे आँख से जो आंसू जो निकल रहे हैं ये क्रोध के आंसू निकल रहे हैं गुस्से के। तो जसवा मैया बोली नहीं लाला अभी तो छोटा सा है अभी तेरे को ज्ञान नहीं है जो आंसू जो देख रहा है ये जो भक्ति के आंसू निकल रहे हैं और जो क्रोध के आंसू है ना सारी इंद्रियां हीट मान करके वो गर्म आंसू इधर से निकलते हैं। तो भगवान बोले कि भैया मैं इतना रस्सी से नहीं बनूंगा केवल मैं तो प्रेम डोरी से बनेंगी। तो जसवा मैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाएं कि दूध चले वाली रस्सी लेकर के आओ और अपने बाल बांधने वाली रस्सी लेकर के आओ और राधा जी का डोरी लेकर के आओ। तब यहाँ से कृष्ण का नाम क्या हुआ दामोदर। तो जसवा मैया कन्हैया को बांध करके घर में चली गई और कन्हैया इसी ओखल को खींच करके वहाँ पीछे दो पेड़ खड़े हुए थे किनके पुत्र थे कुबेर के पुत्र नलकुंवर मड़े गए। वो क्या बोलते थे कि हे प्रभु हे नंद के लाला तुम तो राक्षस का उद्धार करने के लिए आए हो हमारा भी उद्धार करो। तो भगवान बोले क्या दीपावली का दिन है यार अमावस्या का दिन है आज इनका ही उद्धार कर देते हैं। तब भगवान को बांध करके जसवा मैया चली गई और कन्हैया यहाँ से उखल को खींच करके ले गई जहाँ दो पेड़ खड़े हुए थे। तो भगवान के चरण लगने से ना उखल लगने से दोनों पेड़ गिर गए। जब पेड़ गिर गए तो यहाँ शंका ब्रह्मा जी को मालूम पड़ी कि मेरे लाला को पेड़ गिर गए। तो सारे ब्रजवासी भी दौड़े दौड़े आए कि बोले कि भैया तेरो लाला तो बच गो। तो नंद महाराज बोले कि ऐसी भगवान की कृपा होगी मेरा लाला बच गो। यहाँ कृष्ण कौन थे गोकुल में एक नंद का लाला था भगवान नहीं थे। तब यहाँ नंद महाराज ने नौला गैया दान करी अन्न दान किया किस लिए कि मेरा लाला बच गो गाय की कृपा से ब्राह्मण की कृपा से। तब यहाँ से इस स्थान से भगवान ने क्या बनाया गोवर्धन नंदगाम बरसाना यहाँ से स्टार्टम किया। ये ब्रजमंडल केंद्रम गोकुल है जिसे हमारे प्राण क्या होते हैं नाभि केंद्र में नाभि से शरीर बनकर के तैयार होता है और नाभि से लास्ट होता है। तब यहाँ शंका ब्रह्मा ने भगवान के चरणों में फूलों को वर्षा करी क्या तो नंद का लाला बच गया। तब यहाँ शंका ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ नाक भी रगड़ी थी ऐसा बोलते थे नाक तोड़ देंगे नाक रगड़ देंगे तुम लोग यहाँ नाक रगड़ दोगे कन्हैया के घर में ये कृष्ण का क्या है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है
यहाँ तुम लोग नाग रगड़ोगे तो किसी दुष्ट राक्षस के आगे नाग रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ओखली का जल है ना, ये जल तो भक्त लोग आकर के यहाँ आकर के अपनी आंखों में लगाते हैं, क्या बोलते हैं, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये हमारी दृष्टियाँ शुद्ध करना। और जब तक दृष्टि शुद्ध नहीं है तो लाला की प्राप्ति नहीं होगी। सजावट देखते रहो, भीड़ में डक्के खाते रहो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कृष्ण का निज धाम है और सब लीला के धाम है। ये कृष्ण का घर है। ये 7.5 किलोमीटर पर घर बनाए थे नंद महाराज। यहाँ 9 लाख गाय बास करती थी। ये कृष्ण भगवान को जैसा मैया यहाँ सुलाती थी और यहाँ कृष्ण भगवान को माखन भी खिलाती थी। ये कृष्ण का निज धाम और तीर्थ का धाम है। बोलो गोविंद भगवान की जय, दामोदर लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत आभार करते हैं आपका कि आपने इतना हमें समय दिया और आनंद पूर्वक पूरी कथा हमें बताई। और उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं उनको आनंद आया होगा और वो शीघ्र यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि ये स्थान अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्य मार्गों से हटा हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ हर कोई लोग नहीं आ रहे हैं जिसकी सच्ची भक्ति करना, वही लोग यहाँ आ रहे हैं। आप सभी से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ऐसे स्थानों में दर्शन करने ज़रूर आएँ। हम केवल उन स्थानों को लेकर आते हैं आप सभी के लिए जहाँ पे कोई भक्त नहीं जा पाता है, जैसे कि मैं आप सभी को कहता आया हूँ। ये भी उनमें से एक वैसा ही स्थान है कि यहाँ पे कोई भक्तजन नहीं पहुँच पाते हैं और महाराज जी ने भी हमें आनंदपूर्वक यहाँ पे कथा बताई। तो ऐसे लीला स्थलियों में अगर आप दर्शन करने आएंगे तो हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं जो लुप्त हो रहे हैं वो वापस से जिसे कहते हैं उजागर होगा उनका। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे दर्शन करने शीघ्र आएंगे। आज भी आपको इस कमल के दर्शन होते हैं और ये बताया जाता है, जैसे कि मैं स्पर्श करके देख रहा हूँ, ये बिल्कुल पाषाण है यानी कि पत्थर है और बिल्कुल प्राचीन एक इसको देख के अनुभव हो रहा है। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे ये है गणेश जी का स्वास्तिक यहाँ पे और यहीं पर माँ यशोदा के दर्शन होते हैं आपको। ये विष्णु जी ने वृक्ष को स्थापित किया तो इसमें अनंत लीलाओं का यहाँ इसमें प्रदर्शन दिया गया है। ये दो झाड़ थे, ये तीन रस्सियाँ थीं और ये कृष्ण का विग्रह है और ये नाभि केंद्र है। यहाँ प्राणनाथ को एक प्रतिपादित किया गया है कि एक कृष्ण यहाँ हमेशा गोविंद गोकुल में वास करेगा। भगवान जंगल से मिलते थे, ये वही जंगल है जो यहाँ प्राणनाथ गोविंद कृष्ण को यहाँ एक कृष्ण को यहाँ प्रतिपादित किया गया है। देखो ये विश्व का ये केंद्र है। यहाँ से ब्रजमंडल भागवत वृंदावन गोवर्धन की यहाँ से स्टार्टिंग तो हुई। ये विष्णु जी आए थे, यहाँ सभा हुई थी सभी की इस जंगल में। इस जंगल का नाम बृहद वन था। तो इस जंगल में सभा होने से मनुष्य को आसानी से कल्याण प्राप्त हो कि हम कृष्ण का जन्म करवाएंगे और एक कृष्ण को यहाँ प्रतिपादित करके रख देते हैं। जैसे प्राण को नाभि में रखा गया है और इसको सिंपल भी रखा गया है कि यहाँ जो स्पेशल आते हैं उनको भक्ति मिल जाती है और स्पेशल यहाँ आना असंभव है। और देखो नंदघर यहाँ ऐसा था, 7 किलोमीटर का यहाँ बनाया गया था। तब उन्होंने यहाँ तपस्या की, जब कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में लिखा गया मथुरा में, इसलिए प्रभु प्रेम को अंतर में गोपनीय रखा है। और ये साधारण प्लेस है, ये स्थल है, इसमें लोक नहीं होता है, इसमें झंडा शिखर नहीं होता है और यहाँ सबका मन भी नहीं लगता है। और ये उखल है, ये लास्ट में दीपावली के दिन उखल बंधन हुआ था जब मैया यशोदा ने कृष्ण को बांधा था। ये कश्यप जी बन गए पत्थर के उखल। और ये दो पेड़ बन गए थे यहाँ कुबेर पुत्र, ये 3 किलोमीटर लंबे वृक्ष थे। 3 किलोमीटर लंबे, जब ये गिरे तो विश्व में आवाज हुई थी गिरने की, स्कंद प्राल बिटपौ गतचांड शब्द अराग धूमधाम शब्द हुआ। तब यहाँ मीटिंग होने के बाद वृंदावन गोवर्धन सब चालू हुआ है और सत्य को छोटा रखा है और झूठ को बड़ा रखा है। यही नाद रगड़नी पड़ी ब्रह्मा शंकर को, यशोदा ने भगा दिया था। जब ऐसे बोलती ना, काट देंगे, रगड़ देंगे, तोड़ देंगे, और जो भी यहाँ नाग रगड़ देंगे तो उनको कोई रगड़ने की जरूरत केवल ओनली यहाँ स्पेशल आना एक महत्वपूर्ण वस्तु है। महाराज जी यहाँ ये जो ओखल देख रहे हैं तो ये द्वापर का ही चिन्ह है। हाँ, ये वही ओल्ड उखल है, ये हमेशा से चला आ रहा है और ये यहाँ पर ही रखा है। और ये कई बार जंगल हो गया था। हाँ, कई बार जंगल भी हो गया है और फिर मंदिर भी बन जाते हैं। अभी वैदिक काल से स्टार्टिंग हुए मंदिर, यहाँ स्पेशल आने से एक भागवत का फल मिल जाता है। बोलो कृष्ण बलराम की जय। बहुत आनंद पूर्वक आपने कथा सुनाई महाराज जी। और ये जो स्थान है ये मुख्य जो गोकुल में ही आता है, ये मुख्य गोकुल का एक केंद्र है। बोलो कृष्ण बलराम की जय। मैं तो सभी बच्चों को यहाँ प्रेम करता हूँ सिर्फ। बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे कथा सुनके। आपको शुभ नाम जाना चाहिए। लीलाधर है मेरा नाम, लीलाधर। बहुत अच्छा लगा आपसे कथा सुनके, आनंद आया। राधे राधे महाराज जी।
वहाँ पे हमने आपको दर्शन कराए थे उखल के, जो कि आपने दर्शन किए। उसके बाद ये पूरा मंदिर का प्रांगण है और मंदिर का जिसे कहते हैं जीर्णोद्धार, यानी कि रेनोवेशन नहीं हुआ है, तो ये उसी प्रकार है, कच्चा बना हुआ है, लेकिन आपको दर्शन वैसे होता है। मैं आपको लेके चलता हूँ उस पेड़ की तरफ जहाँ पे महाराज जी ने हमें बताया कि आज भी ध्वनि की आवाज़ आती है। चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो एहसास हमें यहाँ पे हो रहा है वो आपको मैं इस वीडियो में कराना भी चाहूँगा। देखो, जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, ये मिट्टी की बनी हुई है, बिल्कुल कच्ची, यानी कि उसी की भांति हमें एहसास करा रही है लाइक कि हम द्वापर में हो। मैं लिटरली बताऊँगा वो फील आ रहा है। तो एक बार चलते हैं समीप और आपको वो चीज़ दिखाते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। स्पेशल जितने भी आप ये स्टेप्स देख रहे हैं वो सारे कच्चे बने हुए हैं, यानी कि मिट्टी के हैं, और ये एक अनुभूति उस प्रकार करा रहे हैं लाइक कि हम द्वापर के उसी स्थान पे आए हों। और जैसे कि हमें बताया गया था, आपके मन में वो भाव है ठाकुर जी के प्रति, तो आप इस पेड़ में अगर अपने कान लगाते हैं तो आपको ध्वनि की आवाज़ सुनाई देगी, चाहे वो बांसुरी की हो चाहे वो ढोल की हो। जिस प्रकार वृंदावन में हमने दर्शन कराए थे आपको वंशी वट के, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको अपने कान लगाने से, बिल्कुल आपका ध्यान लगाने से, तो आपको सुनाई देती है वो वंशी की ध्वनि, वो ढोल की ध्वनि। और देखते हैं इस बार, मैं एक बार जिसे कहते हैं वो एहसास यहाँ भी करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर आवाज़ ध्वनि की आवाज़ आई थी कान में, और यहाँ पर क्या आती है या नहीं, पहले हम इसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद वो आवाज़ को हम सुनने की कोशिश करेंगे। और लिटरली बताऊँ, देखो इस स्थान को पूरा भी कच्चा रखा गया है, पूरा कच्चा रखा गया है, यहाँ पे खेत है, और जो अनुभूति है ना उसकी मैं आपको क्या बयां करूँ। ये देखो, मिट्टी से बनाया गया है इसका, जो बिल्कुल इसका बेस को रखा गया है ना संभाल के, वो भी मिट्टी से ही रखा गया है, यानी कि पूरा को एहसास कराए कि कच्चा है, बिल्कुल आनंद शांति। एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने एक या दो बार ट्राई किया आवाज़ सुनने के लिए कि कौन सी कैसी आवाज़ होती है वो जो यहाँ पे आती है। जैसे कि मैं महाराज जी ने बताया, तो यहाँ पे एक हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से वो बिल्कुल जो बहुत हल्की आवाज़ जो होती है ना वो कान के अंदर बिल्कुल अब अच्छे से सुनाई नहीं दे पा रही है। एक हल्का सा एहसास ज़रूर है लेकिन हवा के चलते, जो अभी आपको इस समय नहीं फील हो रहा होगा। ये देखो इस टाइम पर हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, आपको फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि हमने अपने माइक पे विंड नॉइज़ लगाया हुआ होता है जिससे जो हवा की नॉइज़ है वो नहीं आती आपको। लेकिन यहाँ पे हवा तेज़ चल रही है, इस टाइम पर देखो आप कितना तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है, तो वो आवाज़ है ना जो वो हम फील नहीं कर पा रहा, मैं सुन नहीं पा रहा। हालांकि एक एहसास ज़रूर है लेकिन वो आवाज़ की जो ध्वनि है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे जो एहसास है वो एक डिफरेंट है, मैं लिटरली बताऊँगा बहुत डिफरेंट है, उसकी अनुभूति आप नहीं कर सकते। आवाज़ का एहसास तो है लेकिन वो किस चीज़ की है वो प्रॉपर नहीं पता चल रहा है। रीज़न है उसका ये, यहाँ पे हवा काफ़ी है, जो विंड नॉइज़ है उसकी वजह से क्लियर नहीं पता चल रहा है। बना हुआ काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर बना हुआ है, और श्रद्धालु काफ़ी आते रहते हैं, जैसे कहते हैं अब भी काफ़ी भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन ये जो एहसास है ना, जो कच्चा बना हुआ है, ये लिटरली मैं बताऊंगा आपको, ये बहुत सुंदर। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि ये यहाँ के स्टेप्स भी मैंने आपको जैसे कि दिखाए, हर एक चीज़ यहाँ पे वो एक एहसास करा रही है कि लाइक आप प्राचीन बिल्कुल उसमें आ गए हो, बहुत जैसे कहते हैं ना द्वापर युग में, क्योंकि बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बना हुआ लिटरली मैं बताऊँगा। और काफ़ी आनंद में, काफ़ी ठंडा वातावरण है इस पूरे मंदिर का, पूरे एरिया का, और काफ़ी ओपन है चारों तरफ, आप देखेंगे काफ़ी एरिया ओपन है, बहुत ही सुंदर आनंद में दर्शन है। आप सभी को जो हमने अभी उखल में दर्शन कराए, अब आपको हम उनसे मिलाते हैं जो यहाँ के महंत हैं। हमारे साथ है यहाँ के महंत हरिमोहन दास जी, उनसे जानेंगे यहाँ की कथा के बारे में और यहाँ के जो और भी दर्शन हैं, जैसे कि पेड़ के हमने आपको दर्शन कराए अभी, तो वो सारी चीज़ें हम महाराज जी से जानते हैं कि क्या लीला है यहाँ की, और जो कथा है उनसे सुनते हैं हम। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। यहाँ की कथा के बारे में बताइएगा महाराज जी। ये स्थान है, ये उखल वंदन की जगह है, यहाँ कृष्ण भगवान को बांधा गया था और यहाँ जमुना माता ने भी तपस्या करी थी, 60,000 वर्ष से तपस्या कर रही थी कन्हियों को पाने के लिए, तो रोज़ाना कमल के फूलों का हार बनाती थी कि नंद के लाला आएंगे तो हम लोग चरण छूकर के पटरानी बनेंगे। तो इस यमुना जी के अंदर में काली नाग रहता था, सर्प रहता था, उससे कोई भी पक्षी जाता, कोई स्नान करता था वो ख़त्म हो जाता था।
तो जमुना मैया बोली कि कन्हैया नहीं आ रहे हैं, रोजाना कमल के फूलों का हार बनाती थी, तो वो गंगा जमुना के बीच में चला जाता था, वहाँ संगम हो रहा था। तो रात के 12 बजे वसुदेव जी भगवान को लेकर के आ रहे चोरी कर करके, तो जमुना मैया बोली आज तीन लोग के नाथ दिन में जाने वाले आज रात में चोरी से जा रहे हैं, ऐसा अवसर मुझको बार बार नहीं मिलेगा। तो जमुना मैया कन्हैया के लिए चरण छूने के लिए बढ़ रही थी, तो वसुदेव जी बोले मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे बालक को तो कोई ले लो। तो वर्षा हो रही थी रात को 12 बजे और वसुदेव जी पुकार कर रहे थे मैं तो डूब रहा हूँ मेरे बालक को कोई ले लो कोई ले लो। तो रात के 12 बजे कोई सुनने वाला नहीं था, तो कृष्ण भगवान ने पीछे से चरण लटका दिया वसुदेव जी ने कन्हैया ने, तो जमुना मैया ने कृष्ण के चरण छू करके तब उनको रास्ता दिया था। कन्हैया से बोली कि हे कृष्ण भगवान मेरा भी तो उद्धार करो प्रभु, कि क्या चाहती है कि मेरे अंदर में कोई स्नान करने के लिए आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो मैंने क्या चाहिए कि मेरे को आशीर्वाद दो मेरे अंदर में स्नान करने के लिए लोग आएँ। तो जब कन्हैया बोले कि आज के अंदर में तेरे अंदर में स्नान भी होगा, एक लोटा जल भी भर करके लेके जाएंगे। तो जमुना मैया धन्य हो गई। जो कृष्ण की भक्ति में जो विघ्न बाधा आती हैं तो जमुना मैया यहाँ पर दूर करती हैं। सुबह मॉर्निंग में क्या बोलना है, यमुना कृष्णा, ऐसे जो भक्त लोग घर में बोलेंगे तो कृष्ण की भक्ति में मन लगाए रखेंगे यमुना मैया। तो ये यमुना जी की तपो इसलिए मुखार बिंद है। तो यहाँ पीछे दो पेड़ खड़े हुए थे, ये कुबेर के धन के राजा थे, इनको अहंकार आ गया। तो ये मंदाकिनी नदी में नग्न स्नान कर रहे थे, तो नारद जी वहाँ करके गुजर रहे थे श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। तो नारद जी बोले कि अरे मूर्खो तुम दोनों भाई पेड़ बन करके तपस्या करो जाओ, मैंने क्यों कि ये तो तुम जमुना जी में नगे स्नान करो मंदाकिनी नदी में और तुम दोनों भाई पेड़ बनकर के तपस्या करो। तो ये बोले कहाँ के नंद महाराज के आंगन में जाकर के पेड़ बनकर तपस्या करो। जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं गौरिया मठ बने हुए हैं सारे ओल्ड वर्ल्ड विश्व में यहाँ एक महीने दीप दान करने के लिए आते हैं उखल बंधन पर और दामोदर पाठ करते हैं। और यहाँ जब पेड़ गिरे तब यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ नाक गिरे थे, तब वहाँ पीछे नंद महाराज ने 9 लाख गाय दान करी थी पीछे में, इसलिए कि मेरे लाला मुझको गाय की कृपा से और ब्राह्मणों की कृपा से। ये जो है ब्रज मंडल यहाँ से स्टार्टम किया था, गोवर्धन नंदगांव बरसाना यहाँ से स्टार्टम किया था। ये स्टार्टम की पॉइंट की जगह है। सब लोग क्या देख रहे हैं, सजावट देख रहे हैं, भीड़ में ढक्के खा रहे हैं, बोलो गोविंद भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। यहाँ का ये स्थान का महत्व है। बहुत सुंदर कथा आपने बताई महाराज जी, और जिस प्रकार हमने अंदर दर्शन किए और आपने जो हमें बताया बहुत आनंद आया दोनों कथाओं में, और जिस प्रकार आपने यमुना जी के बारे में बताया हमें नहीं पता था उसके बारे में, और जो पीछे जो पेड़ गिरे थे वहाँ पर नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान करी थी। जो वहाँ सच्चे भक्त लोग होते हैं वहाँ पेड़ में जाकर के कान लगाते हैं, 5 परिक्रमा करते हैं, तो भगवान उनको कुछ सुनाते हैं। कौन सच्ची भक्ति कर रहा है घर में और कौन दिखावा कर रहा है, और जो सच्चे भक्त हैं भगवान 5 तरह की आवाज़ें सुनाते हैं वहाँ पर। वो कौन कौन सी, एक तो बंसी की धुन सुनाते हैं, एक गाय की आवाज़ सुनाते हैं जो कृष्ण को पुकारती हैं गाय कि मेरे कृष्णा कहाँ गए, उस प्रकार की धुन सुनाते हैं, और एक जो वसुदेव जी भगवान को पार करके आ रहे थे, वर्षा हो रही थी वो बरसात का आवाज़ आ रही है कान में गाती हैं, और एक महारास की जहाँ भगवान ने नित्य रास करते थे, बोलो गोविंद भगवान की जय। बहुत आनंद आया महाराज जी कथा सुन के, और आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने समय दिया कथा सुनाई और भक्तों को आनंद दिया। तो उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं वो शीघ्र आएँ दर्शन के लिए और यहाँ पे लाभ लें, क्योंकि देखिए आपने जैसे कहा चमक ढमक में सब जाते हैं, हाँ। तो ये बात उचित है, लेकिन ऐसे स्थान जो हम आप सभी को करा रहे हैं ना, ये ब्रज में छुपे हुए स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी ने कोई नहीं आ पाता, जहाँ पे ठाकुर जी ने आज हमें अवसर दिया यहाँ पे आने का, सौभाग्य दिया कि हम आप सभी को दर्शन करा रहे हैं, स्वयं दर्शन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइएगा। ये महाराज जी इसके बारे में एड्रेस और आप बताने की कृपा करें। हाँ, ये जो जगह है ये ब्रह्मांड घाट और रमण रीति के बीच में पड़ता है, ये स्थान है उखल बंधन की जगह है, और यहाँ डुप्लीकेट भगवान से बच करके आते हैं तब यहाँ आ पाते हैं, नहीं तो रास्ते में डुप्लीकेट भी भगवान मिल जाते हैं और वो यहाँ तक आने नहीं देते हैं। तो डुप्लीकेट का जैसे कि आपने करा जिक्र, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। डुप्लीकेट यही है कि मतलब जगह चमक दमक देखते नहीं, नहीं सजावट देख करके आओगे तो सत्य यहाँ समझ में नहीं आएगा, सत्य बहुत छोटा है झूठ बहुत बड़ा है। देखिए आपने महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही आप सभी को कि सत्य बहुत जिसे कहते हैं बड़ा नहीं है आज के टाइम पर, और जो झूठ की है वो जिसे कहते हैं आप देख सकते हैं हर जगह आपको वो चमक ढमक वो चीज़ मिलती है जहाँ पे सभी का मन विचलित हो जाते हैं और वो अपने छल जाते हैं उस चीज़ से। तो आपके लिए ही हम कोशिश करते हैं, ठाकुर जी ने आज हम पे कृपा की कि हम यहाँ पे आ पाए दर्शन कराने के लिए, आज आप सभी को हम दर्शन कराने के लिए आ पाए हैं, और महाराज जी ने भी बहुत हम पे कृपा की, उन्होंने पूर्ण इस दर्शन इस वीडियो को कम्प्लीट किया यहाँ की कथा को बता के। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप यहाँ पे शीघ्र आएंगे दर्शन करने के लिए। महाराज जी हम भी जिसे कहते हैं आपको
नमन करते हैं और हम जिसे कहते हैं आशीर्वाद दीजिएगा सभी को हमें भी कि इस प्रकार हम आगे दर्शन और कराते रहें और ऐसे गुप्त लीला स्थलियों के दर्शन कराते रहें, ठाकुर जी कृपा करें। और यहाँ पे जो भक्त देख रहे हैं आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइएगा। महाराज जी ने आपको एड्रेस दे दिया है, रमन रेती और ब्रह्मांड घाट के बीच में ये स्थान है, गोकुल यहाँ पे गोकुल के अंदर ही ये स्थान है। तो आप यहाँ पे शीघ्र आए दर्शन करने के लिए और हम महाराज जी का भी धन्यवाद करेंगे। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे महाराज जी। तो ये थी यहाँ की कथा जो कि आपने वीडियो में देखी और सुनी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ की कथा के बारे में आनंद आया होगा, सुन के अच्छा लगा होगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ की ये है छोटी सी एक गौशाला और यहाँ पे जिस प्रकार मैंने आपको बताया और पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पे सेवा तो बहुत बड़ी बात है लेकिन यहाँ पे दर्शन के लिए भी लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि ठाकुर जी की कृपा होती है तभी आप यहाँ पे आ पाते हैं। जिस प्रकार ठाकुर जी ने आज कृपा की है तभी हम यहाँ पे आ पाए हैं और मैं आप सभी को ये कहूँगा कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। हम यहाँ पे आपको लोकेशन कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की लेकिन बहुत ईजी वे है आपके लिए कि गोकुल में आप अगर आप आते हैं रमन रेती और आगे है ब्रह्मांड घाट, उन दोनों के बिल्कुल बीच में ओखुल बंधन आता है तो आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप सभी को ओखल बंधन से राधे राधे।